ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਪੈਰਾਗਨ ਹੋਟਲ ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਿਮਾਚਲ मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रभारी राम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सराज में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाकर सराज की भोली भाली जनता का अपमान कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए राम सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने इस चुनाव में भारी मतदान कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सराज में वर्ष 2017 में भी 86% मतदान हुआ है, जबकि इस बार भी लोगों ने खुलकर मतदान किया है। राम सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रैलियां की हैं, तो वहीं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 106 रैलियां कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। वहीं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक सर्वे के अनुसार देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का सम्मान हासिल हुआ है, जिस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि वीरवार को होने वाली मतगणना के बाद भाजपा प्रदेश की चारों सीटों पर विजय हासिल करेगी। लोकसभा के चुनाव जो 19 मई को हिमाचल प्रदेश में महापर्व जो सम्पन्न हुआ, मैं हिमाचल की जनता का और विशेषकर मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के पर्व में जो उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके लिए मैं उनको नमन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। पिछले कल जिस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार ने सिराज क्षेत्र के भोली भाली जनता पर बूथ कैप्चरिंग का जो आरोप लगाया, वो निश्चित रूप से उनकी हार जो उनको सामने नजर आ रही है उसकी हताशा का कारण है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने सिराज की भोली भाली जनता के स्वामी मान पर चोट पहुंचाई है, क्योंकि 2017 में भी सिराज की जनता ने 86% मतदान में करके लोकतंत्र को मजबूत किया और इस बार भी वहाँ उन्होंने अच्छा मतदान करके 82% के लगभग जो मतदान हुआ उसको मजबूत किया। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी के जो कार्य को देखते हुए और हमारे प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा जी के जो 5 साल का उनका चाहे लोगों के बीच में जाना, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जहाँ हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें बड़े मार्जिन से जीत रही है, मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो आज तक का इस संसदीय क्षेत्र का जीत का मार्जिन रहा है, बहुत अधिक मार्जिन लेकर एक ऐतिहासिक जीत की ओर हमारे प्रत्याशी यहां से जीत कर जाएंगे और श्रद्धेय मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे और श्रद्धेय मोदी जी जब दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे तो श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी जो हमारे यहाँ से मंडी संसदीय क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, परंतु मंडी संसदीय क्षेत्र उनका गृह संसदीय क्षेत्र है, जो ईमानदार सरकार उन्होंने 1.25 साल में दी, विकास किया, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में विकास की गति हिमाचल में पहले से भी ज़्यादा, ताकि लोगों को जहां पर्यटन की दृष्टि से चाहे लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हिमाचल बहुत आगे निकलने वाला है। और एक बार फिर से मैं जो जनता ने लोकतंत्र में इतने मत प्रतिशत जो बढ़ाया है चुनाव में वोट देकर, उनका आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक जीत लेकर श्रद्धेय मोदी जी की झोली में भारतीय जनता पार्टी ये सीट डालने वाली है। आदर्श हिमाचल ब्यूरो रिपोर्ट।